हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक एसएससी चैनल पर। हमारा सेशन जो हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन डिस्कस करने वाले हैं, कुल मिला के हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 120 क्वेश्चंस। ओके, 120 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि एक बार भैया सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और लिंक को शेयर कर दो, ताकि जितने लोग भी हैं सभी लोग जुड़ जाएं यहाँ पर। ठीक है ना बेटा, तो इतना काम फटाफट कर दो पहले सभी लोग। ओके, फटाफट कर दीजिए। ठीक है, ओके चलो, कुछ चेंजेस हुए हैं वही मैं देख रही थी, वही मैं मुझे बताना है आप लोग को। चेंजेस ये हैं कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 16 जून वाला तो बताते ही रहे, अब 30 जून वाला नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको जुड़ना है। ओके, एक आपका बैच है सेम बैच संकल्प बैच, और एक बैच है आपका सफलता बैच। ये दो बैच आपके नए आए हैं यहाँ पर। 16 जून की जगह 30 जून हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 30 जून कर लेंगे यहाँ पर। ओके, बिल्कुल 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 30 जून कर लेंगे। सेम चीज़ है कि सब कुछ कॉमन है 30 जून में। फुल सिलेबस कवर हो रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस पीडीएफ स्टडी मटेरियल, वीकली क्विज मॉक टेस्ट मिल रहा है, और डाउट रिलेटेड क्लियरिंग सेशन दिया जा रहा है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कुछ जो कि आपके में क्या चेंजेस हुए हैं वो भी मैं बता देती हूँ। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, है ना, सारी चीज़ें बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। मिनट, ठीक है, चलिए देखिए क्या है। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप में एक ऑफर आया है, टॉप 500 रैंकर्स स्टैंड अ चांस टू विन अमेज़न वाउचर। ठीक है, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट होंगे। ठीक है, और 4 जुलाई को 12 बजे होगा। तो इसमें पहला प्राइज है एप्पल आईपैड मिनी, दूसरा है एप्पल एयरपैड, और JBL स्पीकर थर्ड वाले को मिलेगा। तो भैया ऐसा है कि जुड़ जाओ, फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं अनअकैडमी कॉम्बैट पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको आईपैड मिल रहा है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही है। स्पीकर खरीदने भी जाओ तो 2000-3000 रुपये से नीचे कहाँ, 4000 रुपये का मिलता है JBL का स्पीकर, है ना। तो भाई क्यों ना जुड़े हम लोग, जुड़ते हैं एक। और बाकी कोर्स अगर परचेस करेंगे तो आपको बता दें कोड मेरा ही लगाना है, कोड लगाएंगे तो 10% का बिल्कुल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑफ मिलेगा, जरूर पार्टिसिपेट करें अनअकैडमी कॉम्बैट पर, जरूर। बाकी रैंक आएगी तो आपको मिलेगा, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, कुछ कराना नहीं है, सिर्फ आपको कोड यूज करना है। जीत लो भाई, कब मौका मिलेगा जीतने का, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल फटाफट। ओके, बिल्कुल, चलो
बाकी टेलीग्राम चैनल में बता देती हूँ आपको, लेट्स क्रैक एसएससी है टेलीग्राम चैनल। क्या हो रहा है आज, गड़बड़ हो रहा है। चलो कोई ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है अपने लोगों का, लेट्स क्रैक एसएससी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दीजिए आंसर। राइट आंसर है 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड डिस्कवर्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डायमंड जो है वो कब डिस्कवर किया गया था? इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, टाइम आपको दिया जाता है और आप लोग उस समय पर आंसर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, राइट आंसर है 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 23 जून को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। चलो भाई राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को 2002 से शुरुआत हुई। यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1948 से हुई थी। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ठीक है, इसकी शुरुआत 2005 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नौसेना और यूरोपियन यूनियन नौसेना बल के साथ कहां पर पहली बार सैन्याभ्यास आयोजित किया था? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है अदन की खाड़ी। ठीक है, शामिल देश कौन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? ओके, राइट आंसर, तो राइट आंसर है मनप्रीत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कौन दुनिया की दूसरी सबसे तेज 100 मीटर धावक बनी है? फ्लोरेंस ग्रिफिथ जाइनर, हिमा दास, सैलियन फ्रेजर प्राइस, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग तो प्लीज आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का है शैली एंड फ्रेजर प्राइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग राइट आंसर दीजिए. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. तो राइट आंसर देख लेते हैं. राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है TCS. ठीक है, सबसे पहले तो IHEU की बात करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन. ठीक है, 1952 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन है, अध्यक्ष एंड्रू हॉब्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. हाल ही में किस मंत्री ने जान है तो जहान है नामक टीकाकरण अभियान शुरू किया है? बिल्कुल बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है मुख्तार अब्बास नकवी. करेक्ट आंसर इज मुख्तार अब्बास नकवी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वन प्लस के बताइए वेरिएबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हाल ही में किसे वन प्लस के वेरिएबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अमिताभ बच्चन, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली या फिर आमिर खान? करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं. राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी. अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है 23 जून. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को, 21 जून को, 23 जून को या फिर 25 जून? बताते जाओ बेटा आंसर, है ना. देख लेते करेक्ट आंसर. 23 जून को, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, इस अवसर के एक भाग के रूप में भविष्य लोक सेवा का नवाचार करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा है देखते हैं. हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? चलिए भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए. और ओके, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है बिहार. क्या है? बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान या फिर जापान? करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना. राइट आंसर है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिए. ओके, राइट आंसर देख ले, जापान. जापान. अब आप मुझे यहाँ पे जापान की कैपिटल, जापान की करेंसी, जापान के पीएम मुझे जल्दी से यहाँ पे कमेंट सेशन में आंसर दो. क्वेश्चन है आपका, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए. न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। चलो राइट आंसर देख लें। चलो राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी। अच्छा, संजय यादव 25 जून को अवकाश ग्रहण करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? बहुत जबरदस्त गवर्नर है, आपको पता होगा 2014 में इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर आपको पता ही है कौन है। चलिए अभी वो तो डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप इसका आंसर बताइए। चलो भाई राइट आंसर देख लें। राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन। आपको बता दें कि कैपिटल आपको पता ही चेन्नई है। आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई इसका एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 है। और आरबीआई की रिकमेंडेशन किसने दी थी, याद रखिएगा, हिल्टन, यंग कमीशन ने दी थी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे कौन है, शक्तिकांत दास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का एक्ट अगर पूछा जाए तो 1934 लगाना बेटा, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कभी पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, 1949 लगाना, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। हाल ही में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? हाल ही में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए राइट आंसर देखते हैं, अशगाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने हब्बा खातून नामक पुस्तक लिखी है? हाल ही में किसने हब्बा खातून नामक पुस्तक लिखी है? बताइए हाल ही में किसने हब्बा खातून नामक पुस्तक लिखी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देते जाओ यार आंसर, फटाफट देते जाओ। ओके, राइट आंसर इज काजल स्टूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है? जो बेटा ओके, चलिए देख लेते हैं राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था इसलिए आप लोग मुझे यहाँ पे आंसर दो, सीएम कौन है तमिलनाडु, तमिलनाडु के सीएम कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पीएम स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत खो दिया है? राइट आंसर देख लें, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? दीजिए आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल फटाफट देते जाइए यार आप लोग आंसर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, अरे यार चलो ओडिशा। ओके, ओडिशा, ओडिशा जिसकी कैपिटल की बात करते हैं, जल्दी से मुझे इसकी कैपिटल
गवर्नर, टेंपल, डैम, इतनी चीजें मुझे जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लेक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मुझे आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेशन में लिख कर दोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, इस क्वेश्चन का बेटा प्लीज जल्दी से आंसर दो। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, जल्दी से बताइए। ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का चंद्रो तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर देख ले, कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में 2 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन सी बन गई है, हाल ही में 2 ट्रिलियन में बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन सी बन गई है, बताते जाइए आंसर, है ना। ओके, राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। अब आप मुझे माइक्रोसॉफ्ट की एस्टैब्लिशमेंट, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ठीक है, ये तीनों चीज आप मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से लिख के दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया, बताइए बेटा। चलो राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर है 23 जून, क्या है, 23 जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, दीजिए बेटा आंसर। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कपिल देव, पीटी उषा, कर्णा मलेश्वरी एंड अंजू बॉबी जॉर्ज। ओके, राइट आंसर कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, किस राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ओके, करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आसाम। अब आप मुझे बताओ असम की कैपिटल, असम के न्यू सीएम, असम के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सारे के सारे नेशनल पार्क, जल्दी से बताइए। और यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क है जिसको काजीरंगा नेशनल पार्क कहते हैं, ये किस चीज के लिए फेमस है, जल्दी से बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं।
किस देश का संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर स्थल ग्रेट बैरियर रीफ हाल ही में खबरों में रहा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश का संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर स्थल ग्रेट बैरियर रीफ हाल ही में खबरों में रहा? चलो भाई राइट आंसर देख लें, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ को 1904 संस्करण के बाद पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में वापस लाया गया? गोल्फ को 1904 संस्करण के बाद पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में लाया गया? दीजिए बच्चा लोग इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट बेटा आंसर देते जाइए ना, फटाफट आंसर देते जाइए तो बहुत सही रहेगा। ओके राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, 2016। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे भारतीय ग्रैंड प्रिक्स में एशियाई रिकॉर्ड बनाकर किस भारतीय शॉट पुटर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? ओके राइट आंसर ताजिंदर पाल सिंह टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में कृषि और संबंध क्षेत्रों के सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत ने हाल ही में कृषि और संबंध क्षेत्रों के सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इस क्वेश्चन का प्लीज जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। हाँ फटाफट बताते जाइए भाई आंसर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है फिजी। ओके नेक्स्ट, तो चलिए सॉरी नेक्स्ट तो अभी तो खत्म हुआ ही नहीं है, अब तो शुरू हुआ है क्लास है ना। सही नहीं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की? हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी होती है, यहाँ पे पूछा बहुत जाता है कि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है बायोग्राफी है, जैसे सचिन तेंदुलकर की बुक आई थी तो पूछा गया था ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है बायोग्राफी है, तो आपको पहले तो मुझे ये बताओ ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में फ़र्क क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट सेशन में लिख कर बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है सुरेश रैना। रैना तू है ना, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कब से है? भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कब से है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कब से है? बताते जाइए आंसर है ना, बताते जाइए फटाफट आंसर। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कब से है बताइए, 2020, 2021, 2018 या 2014? यहाँ की स्क्रीन पर आ ही गया, आपको सिर्फ राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलो राइट आंसर देख लें, 2020। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का भी प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताते जाइए। जल्दी से बताइए बेटा आप लोग आंसर।
तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 17 जून। आइए बात करते हैं, सबसे पहले तो थीम की बात करते हैं। रीस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो क्लियर है 17 जून को मनाया जाता है तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो भी मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। हाल ही में नेस्कॉम ने किस राज्य के साथ मिलकर रिव अप कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आप लोग प्लीज करेक्ट आंसर बताइए। नेस्कॉम ने किस राज्य के साथ मिलकर शुरू किया है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए। चलो राइट आंसर देख लें, तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना आपको पता है ना, 2 जून, वो भी 2014, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क परिवहन के लिए एडीबी से $484 मिलियन का ऋण समझौता किया है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो भाई राइट आंसर देख लेते हैं, तमिलनाडु। सबसे पहले एडीबी की स्थापना देखते हैं, 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, अध्यक्ष है मास्तुस्कु असाकावा और सदस्य है 68। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो जरूर नोट करिए, बाकी एक बार इस पॉइंट को प्लीज पढ़ लीजिए जल्दी से। ओके, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित वीवा टेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए बताइए राइट आंसर क्या होगा। पेरिस, लंदन, जिनेवा, ब्रुसेल्स। तो राइट आंसर क्या है? पेरिस। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? पेरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार प्लीज इसको जल्दी से एक बार रीड करिए, बिल्कुल रीड करिए, तभी आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पढ़ने और आपके पढ़ने में बहुत अंतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? बताइए राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से। राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। सत्या नडेला। ओके, माइक्रोसॉफ्ट की अभी मैंने स्थापना पूछी थी और कई लोगों ने आंसर दिया भी है। माइक्रोसॉफ्ट की इसकी एस्टैब्लिशमेंट है 1975,
हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और संस्थापक बिल गेट्स हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से भारत के लिए प्रोजेक्ट टू पहल शुरू की है, बताइए। तो राइट आंसर है मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पुडुचेरी विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एम्बलम सेल्वम, एन रंगास्वामी, तमिलिसाई सौंदर राजन। ये बड़ा कठिन नाम लगता है यार लेने में, कई नाम ऐसे होते हैं। मैं कई बच्चे पढ़ा दू और तो कहते थे कि मैम ये बताइए कि क्या सोच के माँ बाप नाम रखते थे। हमने कहा बेटा वहाँ के नाम उनके अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। हम लोग क्या चिंटू पिंटू, देखो कर्म घर में कोई बेचने वाला सामान था गुड़िया छोटू यही कहता है ना। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। एम्बलम सेल्वम, ओके। अच्छा, भारत के सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। किस आईआईटी संस्थान ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी गुवाहाटी? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। बताइए करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है जल्दी से। चलो राइट आंसर है आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई, ओके। थीम 3 दिवसीय सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और ब्रिक्स की स्थापना की बात करें 2006 है, पहली बैठक 2009, सदस्य देश ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। भाई ब्रिक्स में ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17 जून 2021 को किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? 17 जून 2021 को किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्री को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 17 जून 2021 को किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा चाइना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसे WHO के तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे WHO के तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का भी प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बता सकते हैं जल्दी से क्या होगा। बताइए बताइए फटाफट। तो राइट आंसर देख लें, राइट आंसर है मुकेश शर्मा। अच्छा, GAPH टैग का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? बताइए बताइए बेटा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा देख ले, राइट आंसर 18 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है? 4 लाख, 7 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर देख लें, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लिए ये लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? आयुध निर्माण बोर्ड, भवन कल्याण बोर्ड, निर्माण कामकार कल्याण बोर्ड या फिर परिवार कल्याण बोर्ड? करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन? दीजिए दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का भी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का देख लें। ओके, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आयुध निर्माण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मई 2021 में थोक मुद्रा स्फीति दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? मई 2021 में थोक मुद्रा स्फीति दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? बताइए। तो राइट आंसर है 12.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? जल्दी बताओ बच्चा लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। ओके, राइट आंसर है 5। ठीक है, क्लियर। और आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुई है यूएनओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का भी प्लीज आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? फटाफट फटाफट बताइए आंसर। तो राइट आंसर देख लेते हैं, 14,775 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिका अधिवक्ता को नामित किया? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट फटाफट आंसर बताना है जल्दी से। राइट आंसर देख लें, सरला विद्या नगाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से। तो देख लें करेक्ट आंसर क्या होगा। 55वें स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? जल्दी से बताइएगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है?
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय या जनजातीय मामलों के मंत्री? तो इस क्वेश्चन का बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है जनजातीय मामलों के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य ने COVID-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 5 लाख रुपए जमा करने के लिए एक नई योजना जारी की है? आइए क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। किस राज्य ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 5 लाख रुपए जमा करने के लिए? बहुत सीरियस हो जाइए बेटा, अभी भी कोरोना गया नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अभी भी रिस्क बहुत ज़्यादा है थर्ड स्ट्रेन की। तो राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन का काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर बताना है भाई क्या होगा? तो राइट आंसर इज आशीष चंदोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस शशिकांत गुप्ता को निम्नलिखित में से किस संस्थान के तहत अपीलीय प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस शशिकांत गुप्ता को निम्नलिखित में से किस संस्थान के तहत अपीलीय प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। देख लें राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। तो राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के किस महासागर अध्ययन मिशन को हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है? ग्रीन ओशियन, ब्लू डीप या फिर ओशियन करंट मिशन? आप करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ओके राइट आंसर देख लें, डीप ओशियन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता दी है? हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 4, 5, 6, 7। राइट आंसर देखते हैं, 5 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर देख ले, स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है? आईसीजीसी, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, आईटीबीपी, ब्रो? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का,
राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। ब्रो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? रशिया, यूएसए, चाइना या फिर जापान? तो राइट आंसर देख लें, रशिया। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके 60 क्वेश्चन हो गए। पानी वानी पीना हो तो भाई पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ये पानी नहीं पियोगे हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, पानी वानी पी लीजिए आप लोग। पी लीजिए बेटा आप लोग, पानी वानी पी लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से कौन सा देश संघाई संघीय मतलब एससीओ का सदस्य नहीं है, बताइए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है आपका 54वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर में FOIP अभ्यास किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? जापान, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, मुद्रा है ये, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा, ठीक है? और FOIP का फुल फॉर्म जो है वो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? ओके, राइट आंसर इज बिहार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में भारत FDI प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट में किस स्थान पर रहा है? वर्ष 2020 में भारत FDI प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट में किस स्थान पर रहा है? ओके पांचवी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा UNCTAD का फुल फॉर्म पता है ना? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ शिट, मैंने तो आंसर ही बता दिया। हाल ही में किसने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है? हाल ही में किसने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है? इस क्वेश्चन का आप लोग को प्लीज करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल
तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? सेबी। राइट आंसर सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1988 है, मुख्यालय मुंबई है, अध्यक्ष अजय त्यागी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? दीजिए आंसर। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है 21 जून, ठीक है। और IHEQ स्थापना जो कि ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन है, 1952 है, मुख्यालय लंदन है, और एंड्रयू पॉप्सन इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है बताइए बेटा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? बताते जाइए, फटाफट बताते जाइए आंसर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है? जल्दी बताइए। ठीक है, शैलजा, सुमित्रा मित्रा, अरुण वाजपेयी, अरूप वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो के शैलजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन के राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया? किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राफेल नाडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश बताइए। तो राइट आंसर देख ले क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की पुस्तक मॉन्क इन अ मर्क उनके मरणोपरांत लॉन्च की गई है? किस प्रसिद्ध भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की पुस्तक मॉन्क इन अ मर्क उनके मरणोपरांत लॉन्च की गई है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग राइट आंसर दीजिए। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अशोक पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्य अभियोजक नियुक्त किया गया है? चलो भाई राइट आंसर देख ले क्या है। करीम खान। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 2002, मुख्यालय हेग, ठीक है, और सदस्य हैं 123। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक किसने लिखी है बताइए? किसकी पुस्तक है?
बताइए बताइए फटाफट आंसर बताइए। द सेवन सेंस ऑफ बीइंग अ मदर किसकी पुस्तक है? चलो भाई राइट आंसर देख ले क्या है, ताहिरा कश्यप खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा। बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर दिल्ली? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों को 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों को 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? बताइए बताइए फटाफट आंसर बताइए। चलो भाई राइट आंसर देख ले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे WWF इंडिया का फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया है? हाल ही में किसे WWF इंडिया फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया है? इस क्वेश्चन का भी प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, उपासना कामिनेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में एयरटेल ने भारत के में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बता दो। राइट आंसर है इंफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? ओके राइट आंसर इज डॉक्टर तरांग मीनू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में माई जॉयस एंड सोरोस एज द मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो भैया मेरे धुरंधरो आंसर दो। ओके राइट आंसर डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WTO खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई है? तो चलिए इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं, ओंस जेबुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली से दसवीं तक की कक्षाओं में
योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है? दीजिए बेटा आंसर। ओके, राइट आंसर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आ जाओ बच्चा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दो। ओके, राइट आंसर है माव्या सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए राइट आंसर। ओके, राइट आंसर इज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा ब्रांड है? बताइए, बताते जाइए बेटा आंसर फटाफट। चलो भाई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफ बेजोस इसके हेड अध्यक्ष अमेज़न के, हाल ही में किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है? ओके, राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से किस संस्थान में विकसित किया? चलो भाई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वर्षावन दिवस रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग राइट आंसर दीजिए फटाफट। ओके, राइट आंसर इज ठीक। अब आते हैं लास्ट के 30 क्वेश्चन पर, पानी यानी पी लो भाई। फटाफट पानी यानी सब लोग पी लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में नोवाक जोकोविच ने, अरे यार कौन सी बार फ्रेंच ओपन जीता है? तो इस क्वेश्चन का दिख तो गया ही आंसर, दूसरी बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में
से किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? बताइए बेटा, दिल्ली सल्तनत में निम्न में से किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत में निम्न में से किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की है? केरल, उड़ीसा, असम या फिर वेस्ट बंगाल? करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दीजिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है असम। देखिए, असम ने जो शुरुआत किया है, असोम रत्न, असोम विभूषण, असोम भूषण, और प्राइज आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। और हर साल ये 2 दिसंबर को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ओके, राइट आंसर जस्टिस AK सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश को UN सुरक्षा परिषद 2022-2023 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। निम्न में से किस देश को UN सुरक्षा परिषद का 2022-23 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है? जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर देख लें क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर देख लेते हैं, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां से ब्रिटेन को जरदालू आमों की खेप भेजी गई? हाल ही में कहां से ब्रिटेन को जरदालू आमों की खेप भेजी गई? हाल ही में कहां से ब्रिटेन को जरदालू आमों की खेप भेजी गई? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग जल्दी से राइट आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है भागलपुर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 मेड फॉर इन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इस CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021? बताइए इंडिया की रैंक क्या है CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में, जल्दी से बता दीजिए। ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 40। ओके, एक मिनट, ओके ठीक है, बाकी समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत की 117 रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40 रैंक है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 56 है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में ICC ने कितने खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? हाल ही में ICC ने कितने खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो राइट आंसर है 10। ICC का मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? हाल ही में किसने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी कुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। ओके, राइट आंसर है अजय पुरी। COAI का एस्टेब्लिशमेंट 1995, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, महानिदेशक SP कोचर। COAI का फुल फॉर्म है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह कौर का निधन हो गया, या किस खेल में भारतीय महिला टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं? बच्चा लोग इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने भारत कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है बच्चा लोग, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जल्दी से बताइए। कमेंट सेशन में आंसर डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो राइट आंसर देख लें, कुवैत। ठीक है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी और दिनार इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? ओके, राइट आंसर देख लें, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नासा का फुल फॉर्म पता है ना? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप मुझे बता दो इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर, इसके हेड, ये तीन चीज आप मुझे कमेंट सेशन में लिख कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश के अंतिम स्थान पर है? ओके, राइट आंसर इज बिहार। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। जरूरी नहीं जीवन पर नरेंद्र मोदी रहेंगे, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे यही है, क्योंकि इसका हेड हमेशा आपको PM मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया? ओके, राइट आंसर क्या है? तेलंगाना। कैपिटल हैदराबाद, गवर्नर तिमसलाई सौंदरराजन, और एस्टैब्लिशमेंट इसका 2 जून 2014 को। के चंद्रशेखर राव इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के परिषद मतलब ICMR और भारत मौसम विज्ञान IMD ने संयुक्त रूप से किस बीमारी को खत्म करने के लिए भारतीय इंटर एजेंसी विशेषज्ञ समिति बनाई है?
ओके, करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले किसे पहले जर्मन वास्तुकार का निधन हो गया है? ओके, करेक्ट आंसर गॉटफ्रीड बोहम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? 16, 14, 13 या फिर 15 जून? एक बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है 16 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 50 साल या उससे अधिक आयु वाले वृक्षों को विरासत का दर्जा दिया है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? बताओ भाई ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आईसीजे। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? बताइए। अभी मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगी, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या है? वीनू माकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ओके, बताइए। तो राइट आंसर है ए के सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कौन सा यूटी खुले में शौच मुक्त हो गया है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। ये भी एक अपना समय था है बाहर जाने वाला, क्यों? आई थिंक जितने लोगों का गांव होगा वो कभी ना कभी तो ऐसे बाहर खेत में गए ही होंगे। कह रहे हो मैम कैसी बातें कर रही है, लेकिन जो सच है वो कह रहे हैं, है ना? ओके, राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? देना बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट फटाफट दो। ओके, राइट आंसर देख ले क्या है? 17 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा
हर साल ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा, जल्दी से बताइए। ओके, राइट आंसर इज ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कैथरीन ब्राइस मई 2021 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ बन बन गई है? दीजिए बेटा आंसर, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा फटाफट। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये रहे आपके टोटल कितने हो गए, 120 क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया, राइट। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ओके। और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। और कोड है मेरा SANGEETA। मेरी क्लास की टाइमिंग आपको डेली मिलेगी 8 बजे रात में और सुबह 7:30 बजे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम करंट अफेयर्स और यहाँ पे डिस्कस करेंगे GS। ठीक है, क्लियर है ना सबको? बिल्कुल, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे GS के क्वेश्चंस। टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। तो तैयार रहिएगा 100 क्वेश्चंस के साथ, GS का क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग तैयार रहिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए आप लोग, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं क्लास को। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।